आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं LIC ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मोदी के निशाने पर विपक्ष जब भारत दुश्मन को मारता है तब कुछ लोगों को हिंदुस्तान में रोना आता है। सुमित्रा महाजन का भाजपा को पत्र, इंदौर से चुनाव लड़ने से किया इनकार। दमतरी में नक्सलियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, 3 नक्सलियों ने किया समर्पण। छतरपुर में 4 घुसखोर पकड़े गए, लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों दबोचा। और लोकसभा चुनाव के लिए कहीं रद्द तो कहीं नेताओं के बिगड़े बोल। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरोहा में एक चुनावी सभा में कहा कि कांग्रेस की नर्म नीतियों की वजह से देश में आतंकवाद बढ़ा। मोदी ने कहा, आतंकियों को उन्हीं की बातों में जवाब देना हमारे देश के ही कुछ लोगों को परेशान करता है। जब भारत डंके की चोट पर दुश्मन को मारता है तब कुछ लोगों को हिंदुस्तान में रोना आता है। अपने चुनावी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 रैलियों को संबोधित किया। इसकी शुरुआत यूपी के अमरोहा से हुई। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नर्म नीतियों की वजह से देश में आतंकवाद बढ़ा। मोदी ने कहा कि देश की साख रहे इसके लिए मजबूत सरकार का होना बहुत जरूरी है। मजबूत सरकार ही कड़े और बड़े फैसले ले पाती है, देश को आगे बढ़ा पाती है। आतंकियों को उन्हीं की बातों में जवाब देना हमारे देश के ही कुछ लोगों को परेशान करता है। जब भारत डंके की चोट पर दुश्मन को मारता है तब कुछ लोगों को हिंदुस्तान में रोना आता है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का आतंकवाद पर नर्म रवैये की वजह से कुछ लोगों के हौसले बुलंद हुए हैं। इन दलों ने सिर्फ आतंक को ही मदद नहीं दी, उन्होंने अपने जीवन और अस्तित्व को भी संकट में भी डालने का काम किया है। उन्होंने कहा, मोदी आतंक को वोट बैंक में नहीं तोलता, सभी आतंक के मददगार आज जेलों में बंद पड़े हैं। आपको मंजूर है क्या, आप मुझे बताइए, आतंकी हमले के बाद मुझे चुप हो जाना चाहिए था या उन पर प्रहार करना चाहिए था? मैंने सही किया, ऐसे ही करना चाहिए। मोदी ने कहा कि कल ही संयुक्त अरब अमीरात ने आपके इस प्रधान सेवक को वहां का सबसे बड़ा सम्मान ज़ियाद मेडल देकर सम्मानित किया है। ये सम्मान मेरा नहीं, आप सबका और खाड़ी देशों के काम कर रहे करोड़ों भारतीयों का है। आज दुनिया के देशों में भारत का डंका बज रहा है। दुनिया भर में भारत की जय जयकार हो रही है। इसका कारण मोदी नहीं है, इसका कारण आप लोग हैं। 2014 में आपने जो वोट दिया उसकी ताकत है ये पूर्ण बहुमत वाली सरकार की ताकत है। सांसद और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इंदौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। एक पत्र लिखकर उन्होंने कहा कि भाजपा ने अभी तक इंदौर से लोकसभा के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, संभव है कि पार्टी निर्णय लेने में कुछ संकोच कर रही है। सुमित्रा महाजन ने पत्र में इंदौर से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है, हालांकि मैंने पार्टी के नेताओं पर ही इस बारे में निर्णय छोड़ा था, लेकिन उनके मन में कुछ असमंजस है, इसीलिए मैं यह घोषणा करती हूं कि मुझे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना है। अब पार्टी अपना निर्णय मुक्त होकर और निसंकोच मन से करे। इंदौर के लोगों ने अभी तक मुझे जो प्रेम दिया है और भाजपा के कार्यकर्ताओं की मैं दिल से आभारी हूँ। सुमित्रा महाजन 8 बार से लगातार इंदौर से जीत रही है। उन्होंने कांग्रेसी दिग्गज प्रकाश
चंद्र सेठी को परास्त कर यह सीट भाजपा की झोली में डाली थी। सेठी की गिनती अब कांग्रेस की प्रथम पंक्ति के नेताओं में होती थी। वे देश के गृह मंत्री रह चुके थे। सुमित्रा महाजन नौवीं बार भी चुनाव लड़ने के मूड में थी। पिछले महीने उन्होंने यह कहकर अपनी मंशा साफ कर दी थी कि इंदौर की चाबी अभी भी मैं ही संभालूंगी। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त 75 साल की सुमित्रा ताई ने संकेत दिए थे कि 2014 का चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा। जो भी पत्र आपने देखा है, जो भी घोषणा है वो सही है। बहुत सोच समझ के मैंने ये घोषणा की है, क्योंकि कई दिनों से महसूस भी कर रही थी, सोच रही थी, निर्णय लेने में जो देरी हो रही थी, केंद्र हमारा निर्णय नहीं ले पा रहा था, ऐसा मुझे लगा। तो ऐसा लगा कहीं संकोच में अगर वो निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं कि ताई को कैसे कहे, ऐसा भी हो सकता है। नक्सल प्रभावित धमतरी जिले के नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में एक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गया, वहीं एक जवान गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक जिले के सेवा इलाके के चमेदा और सालेबाट के जंगल में सुरक्षा बलों को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। जब सुरक्षा बल सर्चिंग के लिए पहुंचे तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि जवाबी फायरिंग के बाद नक्सली भाग खड़े हुए। इस घटना के बाद इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई। सीआरपीएफ की 211वीं बटालियन के बोराई कैंप का जवान शहीद हुआ है। घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नक्सलियों से जुड़ी एक और खबर दंतेवाड़ा से है, जहां 6 लाख की इनामी नक्सलवादी महिला समेत 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन नक्सलियों ने एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण कर समाज के मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। आत्मसमर्पण करने वाले तीनों नक्सली कई बड़ी वारदातों में शामिल रहे। हेमोदोपल्ली मुठभेड़ जिसमें 12 जवान शहीद हुए थे, साथ ही हथियारों की लूट और सालमेटा मुठभेड़ जिसमें 3 जवान शहीद हुए थे, उन सभी मामलों में ये नक्सली शामिल रहे हैं। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों की हत्या, आगजनी जैसे मामलों में पुलिस को इनकी तलाश थी। नेशनल पार्क एरिया कमेटी की प्लाटून 2C सेक्शन कमांडर सुशील उर्फ काले उर्फ पंडरी उर्फ इंद्रावती एरिया के प्लाटून नंबर 16 सदस्य पनस राम पट्टी मिर्तूर और एनओएस के राजू कड़वती ने समर्पण किया है। 2006 में किन किन घटनाओं में शामिल थे आप? रानी बदियल, मदोपाली, करकिल, साथ में टाइम शामिल हुआ, प्लाटून 2 प्लाटून सेक्शन कमांडर सलाह। तो आपके अंडर में कितने लोग रहते थे? 60। कौन कौन से हथियार चला लेते हो? वो इंचार्ज SLR एक फुट से जानते हैं। हमने आत्मसमर्पण किया है, इसमें जो काले और पंडरी उस सुशीला कारम है, ये प्लाटून नंबर 2 जो माओवेस्ट का है उसके सी सेक्शन की कमांडर रही हैं। 2003 से भर्ती रही हैं, करीब 15 वर्ष तक नक्सलवाद में इन्होंने कार्य किया है और 3 से 4 बड़ी घटनाओं में शामिल रही हैं, जिसमें दूसरे आत्मसमर्पित जो हैं वो प्लाटून नंबर 16 के सदस्य कमांडर पनसराम भट्टी हैं, जो कि वर्ष 2007 से भर्ती में रहे। तीसरा आत्मसमर्पित माओवादी जो है वो DKMF अध्यक्ष राजू करती है। तो तीनों इनामी नक्सली हैं, महिला पे 3 लाख का और एक पे 2 लाख का और तीसरे पे 1 लाख का इनामी नक्सली हैं। चुनाव के पहले इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। निश्चित रूप से इनकी मदद से आने वाले समय में नक्सलियों को और नुकसान भी पहुँचाए। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज़। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी, प्लानिंग करो अब लाइफ की, सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी।
घर अपने खुशियां ले आओ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऐसा लगता है छतरपुर में रिश्वतखोरों की भरमार है। लोकायुक्त पुलिस ने 4 रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा है। ये लोगों से छोटे छोटे जायज कामों को कराने के लिए घूस मांगा करते थे। लोकायुक्त पुलिस ने छतरपुर के राजनगर जनपद में रिश्वत लेते 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सागर लोकायुक्त पुलिस ने जनपद पंचायत राजनगर में पदस्थ जीपी त्रिपाठी को 6,000 की रिश्वत लेते हुए, उपयंत्री सीताराम रावत को 10,000 की रिश्वत लेते हुए और उनके सहयोग करने वाले नासिद अली को मौके से रिश्वत लेते पकड़ा गया है। राजनगर जनपद के ग्राम पंचायत परेठी की सरपंच जसोदा कुशवाहा के पति गणेश प्रसाद कुशवाहा ने सीसी सड़क स्वीकृति देने के लिए इन लोगों ने रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत गणेश प्रसाद कुशवाहा ने लोकायुक्त से की थी, जिस पर यह कार्रवाई सागर पुलिस लोकायुक्त ने की है। उपयंत्री है, क्या नाम है? रावत, रावत बोलते हैं उसे। हाँ, तो वो रावत है, मान लो डाबडी में वैसे जाता हूँ। इन्होंने मेरे से बताइए 5,00,000 की फाइल रहती थी, बताइए कई बार मेरे से पैसे है 50,000 रुपये ले चुके हैं जे लोग। ऐसे मैंने कम से कम 10,00,000 रुपये इनको दे चुका हूँ, फिर भी जो लोग बोलने लगे कि 5,90,000 की फाइल है, तुमको बताइए 52,000 रुपये लगना है। तो सर बताइए, मैंने अभी पैसे उनको दिए हैं तो वो लग गया तो पकड़े गए हैं। बताइए वो त्रिपाठी बाबू, बल्कि त्रिपाठी बाबू ने है बताइए, मैं कागज़ में पैसा ले रखे थे मैंने, ऐसे ही पर्स में डाले था मैं बीच में, तो उन्होंने कागज़ से झटका हुआ ऐसी जेब में डाल लिए। फिर सर उन्होंने जहाँ से उनको पकड़ा साहब ने, तो उन्होंने ऐसे गिरा दिए वहाँ जीना पर। हुआ है पंचायत में, उसकी पत्नी पंचायत है, उस पंचायत में जो है एक 2,00,000 का कोई कार्य है जिसको पूर्ण होने पर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना था उनको, जिसके लिए वो रिश्वत की मांग कर रहे थे। दूसरा, यहाँ पर जनपद पंचायत में एक बाबू है, जगदीश लेखापाल है, वो राशि जो है 1,96,000 2,00,000 के लगभग वो निकालने के एवज में भी 6,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे थे। तो आज हमने ट्रेप की कार्रवाई की और दोनों को जो है आज हमने यहाँ पर ट्रेप किया है और ट्रेप की कार्रवाई जारी है। एक अन्य मामले में एक ग्राम सचिव को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छतरपुर के खोप गांव के ग्राम सचिव मनोज खरे आवेदक रहमान बख्श ने खेत में बाउंड्री वॉल बनाने की अनुमति देने के लिए 10,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत आवेदक ने सागर लोकायुक्त में कर रखी थी। इस बीच ग्राम सचिव मनोज खरे ने मोटे के महावीर मंदिर के पास आवेदक किसान को रिश्वत की राशि देकर बुलाया। जैसे ही ग्राम सचिव ने रिश्वत ली, वैसे ही सागर पुलिस लोकायुक्त ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हम अपने खेत की बाउंड्री वॉल बनाना चाहते थे, तो हमने एक आवेदन किया था ग्राम पंचायत खौफ में कि ये बाउंड्री वॉल हमें बनाने दी जाए। तो उसके लिए सचिव ने हमसे 10,000 रुपये की डिमांड की थी कि 10,000 रुपये दो तो अनुमति मिल जाएगी। देखिए, छतरपुर के आवेदक हैं रहमान बख्श, जिनका खेत खोप ग्राम पंचायत अंतर्गत आता है। वहाँ के सचिव मनोज खरे ने खेत में बाउंड्री वाल बनाने के एवज में 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी, जो 5,000 रुपये पूर्व में ले चुका था। कल आवेदक द्वारा शिकायत की गई लोकायुक्त कार्यालय सागर में, जिसके सत्यापन के बाद आज 10,000 रुपये रिश्वत के लेते हुए मनोज खरे को रंगे हाथों पकड़ा गया। कार्रवाई जारी है। कांग्रेस के लोकसभा चुनावी विज्ञापन पर रोक के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के मित्रों मैनिया सहित राफेल पर आधारित विज्ञापन पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दिया है। चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस ने इस पर पुनः विचार करने का आग्रह किया है। कांग्रेस के 9 में से 6 विज्ञापनों पर रोक लगाने के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर दबाव से काम करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा कि बीजेपी के दबाव में चुनाव आयोग ने विज्ञापन पर रोक लगाई है। शोभा ओझा का कहना है, एक ट्रिजर एड है जिसमें हमने केंद्र सरकार पर व्यंग कसा है। विज्ञापन में राफेल फाइल गुम होने का व्यंग है और फाइल गुम होने को सरकार ने स्वयं स्वीकार किया था। शोभा ओझा ने कहा, चुनाव आयोग ने विज्ञापन रोकने के जो तर्क दिए हैं वह सही नहीं है।
शोभा ने कहा कि हमने विज्ञापन में किसी को भी मानसिक रोगी नहीं बताया है और मित्रोमेनिया भी कोई बीमारी नहीं है, यह तो बस व्यंग है। 56 इंच का सीना और फर्जी खबरों से बच के रहना विज्ञापन के माध्यम से एक व्यंग है। शोभा ओझा ने कहा कि मोदी सरकार ने जो वादे किए थे सब जुमला घोषित हुए, ना स्मार्ट सिटी बनी और ना महंगाई कम हुई और ना ही बेरोजगारों को रोजगार मिला। दोनों विज्ञापन में, जो पहली विज्ञापन में वो कह रही है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने दिव्यांग व्यक्ति को दिखाया है मानसिक रूप से, जो कि बिल्कुल गलत है। उसमें कहा भी जा रहा है कि अंधभक्त बताया है दिव्यांग, कोई भी दिव्यांग मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति को नहीं दिखाया गया है, व्यंग है, ये वीडियो में व्यंग दिखाया गया है। और साथ ही वो कह रहे हैं इंजेक्शन का आकार, अरे व्यंग है रंग, रंग। अगर और रंग तिरंगा दिखाया गया है तो क्या इंजेक्शन को हम दो रंग में दिखाएं। जबलपुर कलेक्टर में चुनाव ऑब्जर्वर वेद प्रकाश मिश्रा ने लोकसभा चुनाव के निर्देश जारी करने के लिए बैठक ली। मिश्रा ने सभी राजनीतिक दलों के लोगों से भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए चर्चा की। 29 अप्रैल को चुनाव में कुछ गड़बड़ी ना हो और इसके पहले भी प्रक्रिया में अव्यवस्था ना हो, उसको देखते हुए चुनाव ऑब्जर्वर ने सभी दलों और अन्य अधिकारियों से चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इसी के साथ ही सुविधा नामक पोर्टल व ऐप की जानकारी भी दी गई। उनको एक जो भी वैसे रिलेटेड जो भी नियम है कानून को बताया गया, उनको जो भी समस्याएं सुनी गई और सबके बताया गया कि ये चीजें नहीं करनी है, ये चीजें नहीं करनी है। और बाकी चुनाव के समय हम रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और सारी मशीनें ठीक से काम करेंगे। कोई भी किसी मतदाताओं को किसी भी तरह का प्रलोभन देना, किसी तरह दबाव देना, किसी कोई चीज़ बांटना, कोई चीज़ उनको इस किसी भी तरह इन्फ्लुएंस करना, वो इलीगल है, उसके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश जायसवाल ने बताया कि चुनावी माहौल में शराब बेहद प्रभावशाली साबित हो सकती है, जिसको लेकर विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने शिकायत की थी, परंतु अधिकारी कार्यवाही नहीं की थी। इनका आरोप है कि कई पार्टियों द्वारा शराब को हथकंडा बनाकर मतदान को प्रभावित करने की चाल चली जाती है। इसी के साथ बसपा लोकसभा प्रभारी के सरल चौधरी ने बताया कि शराब के साथ साथ पैसे का भारी उपयोग करके भी चुनाव प्रक्रिया को भ्रष्ट किया जाता है और जब अधिकारियों से इस बात की शिकायत की जाती है तो वो कुछ ना कुछ कहकर ऐसे मामलों को टाल देते हैं। लेकिन हाँ, ये शराब एक बहुत बड़ा है, इसको ट्रांसफर एक तो बहुत बड़ी ये बात है कि इसमें चुनाव के समय जो ट्रांसफर परमिट बनते हैं एक दुकान से दूसरे दुकान के लिए, वो नहीं बनना चाहिए। वो उसका उपयोग ये होता है कि एक दुकान से दूसरी दुकान तो नहीं पहुँचता है, लेकिन वो दूसरी जगह जाकर के ले जा करके उसको डंप किया जाता है, फिर चुनाव को उसका उपयोग किया जाता है, जो कि ये बंद होना चाहिए। और हमारे जिला एक्साइज अधिकारी हैं ये इस पर बिल्कुल इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर आने वाले समय में जरूर मैं इसको कई हमको जहाँ भी सूचना मिलेगा आप लोगों को पहले हम भेजेंगे, फिर बाद में दूसरों को हम सूचना देंगे। पैसे का और दारू का बड़े रूप में उपयोग किया जाता है और उस संबंध में जब शिकायत करो तो अधिकारी जो है बात को टाल देते हैं, क्योंकि यदि फ्रेश चुनाव हो तो इस देश में जो खासतौर पे जो राजनीतिक पार्टी अपने आप को बार बार जो सत्ता में आती है वो नहीं आ पाएंगी, क्योंकि गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, बाकी दूसरे क्षेत्रों के लोग जो है उससे प्रभावित होते हैं। तो हमारा तो निवेदन है कि जितने अधिकारी साफ और स्वच्छ बोल रहे हैं अभी, उस दिन देखें जब वोट पड़ता है, एक एक बूथ में जाके पकड़े लोगों को, एक इतिहास कायम होगा। और इसके उदाहरण है अभी कि जो सत्ता दल के लोग हैं उनसे करोड़ों रुपए बरामद, उनके जो है रैलियों में बरामद हो रहे हैं, उनके काफिले में बरामद हो रहे हैं, तो ये उदाहरण है। अभी जो है चुनाव आयोग यदि इसी तरह शक्ति अपनाएगा तो जो है अरबों खरबों रुपए जो है मिलेंगे। मध्य प्रदेश के वाणिज्य कर मंत्री विजेंद्र सिंह राठौर का कहना है अब बीजेपी का किला ढहना शुरू हो गया है, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए वातावरण बनना शुरू हुआ है और मोदी सरकार के झूठ सबके सामने है जिसका पूरा लाभ कांग्रेस को मिले। बुंदेलखंड इलाके के मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने कांग्रेस सरकार द्वारा 80 दिनों में किए गए कार्यों का बखान किया और कहा मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस को लेकर लोग उत्साहित हैं। ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कांग्रेस एक नीति के तहत कार्य कर रही है जिससे आगामी लोकसभा चुनाव में फायदा देखने को मिलेगा, बीजेपी के गढ़ अब ढह गए हैं इसलिए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस अच्छी स्थिति में नजर आएगी। ध्यान तो दिया है, हम ये कहें ध्यान नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर है जो हमारे समझ से जो ध्यान दिया गया है कि राहुल गांधी जी ने जो बुंदेलखंड पैकेज के लिए पैसा दिलाया था वो कहाँ खर्च हो गया ये पता नहीं लग पा रहा, ये ध्यान दिया गया। ठीक लगती है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि गढ़ ढहना शुरू हो गया, जब गढ़ ढहता है, जब नींव से पत्थर खिसकना शुरू होते हैं तो ये थोड़ी देखता है कि एक कमरा ढहरा के तो उड़ा, फिर तो पूरा गढ़ ही ध्वस्त होता है, उसमें बुंदेलखंड भी शामिल है। बुंदेलखंड में भी अब की बात निश्चित रूप से बीजेपी की स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी।
राठौड़ ने अपने विभाग और कमलनाथ सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा बीजेपी की सरकार से आम लोगों का मोह भंग हो चुका था, यही हाल अब मोदी सरकार का है। लोग कांग्रेस की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्होंने कहा बुंदेलखंड इलाके के समुचित विकास के लिए भी कांग्रेस व्यापक रणनीति पर काम कर रही है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। जीवन बीमा द्वारा बचत क्यों करें? ये बचत के साथ जोखिम भी कवर करता है। ये कंपलसरी और सिस्टमैटिक सेविंग्स के साथ बचत प्रदान करता है। ये कर्ज वगैरह के रूप में लिक्विडिटी देता है। इन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लागू नियम अनुसार टैक्स कंसेशन भी मिलता है और पात्रता के आधार पर पाए बोनस के रूप में लाभ। भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप पर है हमारी सुरक्षा की छाया। LIC, हर पल आपके साथ। आइसक्रीम ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने चुनाव प्रचार के लिए डिजिटल रथ भोपाल से रवाना किए। पार्टी कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने भोपाल बीजेपी कार्यालय से चुनावी डिजिटल रथ को लोकसभा चुनाव के लिए रवाना किया। राकेश सिंह ने कहा कि यह चुनाव रथ नहीं बल्कि यह विजय रथ है। चुनावी रथ में बड़ी LED लगाई गई है जिसके माध्यम से भाजपा मोदी सरकार के 5 साल की उपलब्धियों के बारे में बताएगी। प्रथम चरण के चुनाव के लिए भाजपा ने 26 वीडियो रथ 13 लोकसभा सीटों के लिए भेजा है। प्रत्येक लोकसभा में 2 वीडियो रथ सरकार की उपलब्धियों को गिनाते नजर आएंगे। इस मौके पर राकेश सिंह ने कहा कि देश में फिर से NDA की सरकार बनेगी। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा और कहा कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र से जनता आक्रोश में है। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमर कस के तैयार है देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार NDA की सरकार बने। इसके लिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर जनता से आशीर्वाद मांगने निकल पड़ा है और जो अनुकूलता है जनता जिस तरह से आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे रही है उसके कारण हमें भरोसा है कि 29 में से 29 सीटें हम इस बार जीतने वाले हैं। आज मध्य प्रदेश में 26 वीडियो रथ हमने यहाँ भोपाल कार्यालय से रवाना किए हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 2 वीडियो रथ प्रचार की दृष्टि से क्षेत्र में रहेंगे। जहाँ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा किए ली गई उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे और उसके साथ साथ देश को तोड़ने वाली कांग्रेस की साजिशों को भी नाकाम करेंगे। राजनीतिक कार्यक्रमों में बच्चों के इस्तेमाल को ठीक नहीं माना जाता है, इसके बावजूद लोग ऐसा करने से बाज नहीं आते। रायपुर के बीजेपी दफ्तर में भी कुछ ऐसे ही नजारे देखने को मिले। लोकसभा चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां हर तरह के हथकंडे अपनाकर पार्टी का प्रचार प्रसार करने में लग गई हैं। रायपुर एकात्मता परिसर भाजपा कार्यालय में लोकसभा प्रत्याशी सुनील सोनी के नामांकन के लिए हो रही तैयारियों के बीच 2 नन्हे मुन्ने बच्चे अपने हेयर स्टाइल के कारण लोगों का आकर्षण का केंद्र बने रहे। एक बच्चे ने जहां मोदी का नमो तो दूसरे ने कमल की आकृति से लोगों को फोटो लेने के लिए मजबूर कर दिया। बहरहाल ये नन्हे बच्चे इस बात से अनजान थे कि बड़े लोगों के राजनीतिक हथकंडे हैं। लोकसभा चुनाव में सियासी विसाद बिछाने नेता शब्दों की मर्यादा लगातार तोड़ते रहे हैं और उल जलूल बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं।
मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत प्रधानमंत्री को चोर कहते नजर आए और अपने भाषण में असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करने से भी बाज नहीं आ रहे। प्रधानमंत्री मोदी चोर हैं, ये कहना है मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत का। अपने बड़बोलेपन के कारण राजपूत हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत पीएम मोदी के खिलाफ बोलते समय उनको सीधा चोर कह गए। चौकीदार के मुद्दे पर उन्होंने असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया। कभी मोदी जी चाय के नाम पर जनता को मूर्ख बनाते हैं, कभी चौकीदार के नाम पर मूर्ख बनाते हैं। इस देश की जनता को समझाना होगा हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए कि चौकीदार के नाम पर मत मूर्ख बनो, चाय के नाम पर मत मूर्ख बनो। सच्चाई ये है आज हम सबका दिमाग उनने भटका दिया है। हम सब चौकीदार हैं, वो चौकीदार भी। अरे भैया मेरे, एक चौकीदार के चक्कर में मत पड़ो। परिवहन मंत्री राजपूत सागर में कांग्रेस की लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां खुद को अच्छा वक्ता साबित करने के लिए राजनीति की मान्य परंपराओं तक को वे भूल गए। लोकसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस का थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। थीम सॉन्ग में बोल हैं, देश के दिल से दिल्ली तक अब होगी कांग्रेस पुकारे मध्य प्रदेश। युवाओं को लुभाने के लिए रैप सॉन्ग भी लॉन्च किया गया है, जिसमें अच्छे दिनों पर निशाना साधा गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में इस सॉन्ग को लॉन्च किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी भी उपस्थित रहे। इस दौरान कमलनाथ भाजपा और मोदी सरकार पर जमकर बरसे। कमलनाथ ने कहा, देश को एक नई दिशा देने के लिए राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया है। 21वीं सदी में राजीव गांधी ने देश को प्रवेश कराया था, उस वक्त लोग मजाक उड़ाते थे। ये घोषणा पत्र 21वीं सदी के दूसरे दशक में प्रवेश करेगा। ये लक्ष्य केवल इन बिंदुओं का नहीं है, पर एक विजन का है, एक सोच का है। और ये लक्ष्य जो राहुल गांधी जी का है कि हम कैसा देश 21वीं सदी के दूसरे दशक में प्रवेश करें, ये सबसे मैं मानता हूं आज के दिन आवश्यक बात है। क्योंकि पिछले पांच साल में जो अपने देश में हुआ है, हर क्षेत्र में जिस प्रकार से लोग आज ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आज अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। कैसे वायदे करे थे उद्योगपतियों के, वायदे में मैं नहीं जाना चाहता कि ये 15 लाख की बात, किसानों को लागत पर 50% की बात, अच्छे दिन की बात। और आज जो ये ध्यान मोड़ने की राजनीति है, ये ध्यान मोड़ने की राजनीति, उन मुद्दों की चर्चा करो जिससे हमें कोई जवाब नहीं देना पड़े, एहसास ना देना पड़े। आज देश की जनता मांग रही है मोदी जी से पिछले 5 साल का हिसाब और जवाब। कमलनाथ ने कहा, लंबी चर्चा के बाद इस घोषणा पत्र को बनाया गया है और हर वर्ग को लाभ कैसे मिले, विकास कैसे हो, इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। पिछले 5 साल में जो देश में हुआ, हर क्षेत्र में जिस प्रकार से लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, कांग्रेस इस सब से लोगों को निजात दिलाएगी।
छतरपुर बस स्टैंड पर अतिक्रमण मुहिम के खिलाफ दुकानदारों ने हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया। दुकानदारों का आरोप है कि प्रशासन ने रात में बिना सूचना दिए अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर दुकान के बाहर रखे टीन शेड तोड़ दी। सुबह जैसे ही दुकानदार अपनी दुकानें खोलने पहुंचे तो दुकानों के टीन शेड टूटे देखे। दुकानदारों को जब ये पता चला कि ये तोड़फोड़ प्रशासन ने की है तो उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध बढ़ता देख प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी नहीं माने और पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगे, जिस पर कोतवाली में पदस्थ SIT का राम ने व्यापारियों को गोली मारने की धमकी दी। प्रशासन पर पुलिस के रवैये से व्यापारी उखड़ गए और पुलिस के खिलाफ विरोध करने लगे। विरोध बढ़ता देख कांग्रेस के विधायक और BJP के नेता मौके पर पहुंचे और प्रशासन के साथ बैठक कर अतिक्रमण अभियान रोकने की बात की। नेताओं ने दोनों पक्षों की बैठक कर अभियान चलाने की बात कही। वहीं व्यापारियों को गोली मारने की धमकी देने वाले पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही। व्यापारियों ने ये बात बताई कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है और उनको तत्काल यहाँ से हटाया गया। व्यापारियों के साथ मैंने, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी ने, दोनों लोगों ने बैठ के चर्चा की और चर्चा में ये तय हुआ है कि व्यापारियों की एक टीम, सभी जिसमें शामिल होंगे, चाहे आपके ठेले वाले हों, दुकानदार भाई हों, या जो महिलाएं फुटपाथ पर बैठती हैं, सब्जी वाले हैं, ऑटो वाले हैं, सब लोग एक टीम बना के 10 बजे प्रशासन 5 बजे शाम को प्रशासन के साथ बैठेंगे और सबकी सहमति के साथ में जो निर्णय होगा उसके बाद बस स्टैंड पर कोई कार्रवाई होगी, उसके पहले सारी कार्रवाई स्थगित की जाती है। आपदाओं से निपटने के लिए एक खास किस्म का रेस्क्यू व्हीकल होमगार्ड जबलपुर के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड को दिया गया है। इस वाहन में आपदाओं से निपटने के लिए तमाम किस्म के उपकरण मौजूद हैं। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड को प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश होमगार्ड रेस्क्यू व्हीकल प्रदान किया। आपदा से निपटने के लिए सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों को इस प्रकार के रेस्क्यू व्हीकल प्रदान किए हैं। इन वाहनों के आ जाने से होमगार्ड को आपदा से निपटने के लिए जो समस्याएं आती थी उन समस्याओं से निपटने में ये रेस्क्यू व्हीकल मददगार साबित होगा। टाटा 709 वाहन को मॉडिफाई कर इसे रेस्क्यू व्हीकल में आपदा के समय जिन उपकरणों की आवश्यकता होती थी उन उपकरणों को इसमें रखा गया है। इस वाहन में एक मिनी जनरेटर भी लगाया गया है जो रात में आपदा के समय काम आएगा। रेस्क्यू व्हीकल 24 घंटे होमगार्ड कार्यालय में आपदा के लिए उपलब्ध रहेगा। मध्य प्रदेश होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय जबलपुर द्वारा होमगार्ड विभाग के लिए आपदा रेस्क्यू वाहन प्रदाय किया गया है जो मध्य प्रदेश के 4 जिलों को प्रदाय किया गया है जिसमें जबलपुर एक है। इस वाहन, ये वाहन टाटा 709 को मॉडिफाई कर तैयार किया गया है और इस वाहन में आपदा से संबंधित सभी तरह के उपकरण और संसाधन जो व्यवस्थित तरीके से रखे हुए होंगे और यह वाहन हमारे जो EOC है, सेंटर है, वहाँ पर 24 घंटे तैयार रहेगा और किसी भी तरह की इंसिडेंट वगैरह की सूचना प्राप्त होने पर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचेगा। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी, प्लानिंग करो अब लाइफ की, सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी। घर अपने खुशियां ले आओ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक
के बाद आपका स्वागत है। खबर रीवा से है, जहां अवैध तरीके से विस्फोटक खरीदने और बेचने वाले एक गिरोह का खुलासा हुआ है, जिसके बाद घेराबंदी करते हुए पुलिस की टीम ने चार आरोपियों को पकड़कर उनसे तकरीबन 10 लाख रुपए बरामद किए हैं। रीवा पुलिस ने अवैध विस्फोटक पदार्थों की बिक्री व खरीदी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें चार आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं इनके पास से 10,40,000 रुपए बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से रीवा जिले में इस गिरोह के द्वारा अवैध विस्फोटक पदार्थों का क्रय विक्रय किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही आज रीवा पुलिस की टीम ने उन्हें धर दबोचा, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक रीवा आबिद खान ने बताया कि यह इस तरह का अवैध विस्फोटक पदार्थ विक्रय कर रहे थे, जिसमें आम जन मानस को गंभीर खतरे का सामना भी करना पड़ सकता था। छोटा थाना है, अंतर्गत इस प्रकार की सूचना थाने में प्राप्त हुई कि ग्राम नरौरा गाँव है, ये छोटा थाने में, यहाँ पे पता चला कि अवैध रूप से कुछ एक्सप्लोजिव्स का रखा जा रहा है वहाँ पे, और सोम पटेल करके हैं, धीरेन्द्र पटेल, दोनों धीरेन्द्र पटेल, उनके घर में जब पुलिस ने चेक किया तो बहुत सघन चेकिंग के बाद इन्होंने भूसे में लपेट करके सारे जो एक्सप्लोजिव्स थे उनको लपेट करके छुपा करके उसके ऊपर भूसा डाल करके इस तरह से उसको छुपा रखा था। टीम ने जब उसको निकलवाया तो उसमें करीब 8 लंबे हम लोगों को एक्सप्लोजिव्स मिले, और साथ में वहाँ पे बहुत सारा हमको हाईटेक जो उनके जिसको हम लोग ट्रिगर्स बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, वो भी हमें वहाँ पे मिले। पुलिस ने जब अच्छे से पूछताछ की तो पता चला कि गांव में और लोगों के पास भी इस तरह से एक्सप्लोजिव होने की संभावना है। तो एक विजय सिंह पटेल करके भी हैं उसी गांव में नरोरा में, जिनके घर जब पुलिस गई है तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर मिले हैं, और इसके साथ वहाँ पे हम लोग काफी सारा कैश भी मिला है 10 लाख के ऊपर। बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र ने बाल साहित्यकार सम्मान समारोह का आयोजन किया। सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों को करने वालों को सम्मानित किया गया। समारोह का मुख्य उद्देश्य बच्चों के लिए साहित्य सृजन और बच्चों में साहित्य पढ़ने की प्रवृत्ति जागृत करना है। भोपाल के मानस भवन में बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र के बाल साहित्यकार सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों की मनमोहक प्रस्तुति सरस्वती वंदना एवं भजन वैष्णव जन गीत के साथ की गई। सम्मान समारोह में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। संगीत की प्रस्तुति द्वारकाधीश संगीत महाविद्यालय के छात्रों ने दी, जहां एक तरफ बच्चों ने गायन और नृत्य से लोगों का मन मोह लिया, वहीं दूसरी ओर कृष्ण सुदामा की लघु नाटिका की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज ये सक्सेना जी की संस्था है बाल साहित्य शोध केंद्र, इसमें उन्होंने जो वार्षिक कार्यक्रम सम्मान समारोह जो रखा है उसमें उन्होंने हमसे ये इच्छा जाहिर की कि आपके कुछ छोटे बच्चों के माध्यम से कुछ उनकी प्रस्तुतियां जो है हमारे इस कार्यक्रम में हो पाएँ। तो हम जो हमारी संस्था चलती है द्वारकाधीश संगीत महाविद्यालय, उसमें छोटे बच्चे भी सीखते हैं और बड़े बच्चे भी सीखते हैं, तो उनको हमने जो है यहाँ पर लाकर उनकी प्रस्तुतियाँ करवाई। बाल साहित्य समारोह में आज मैंने प्रस्तुति दी थी। यहाँ पे ऐसे बाल साहित्य समारोह होते रहना चाहिए बच्चों के लिए, और ये सम्मान की अच्छी बात है। यहाँ पे बच्चों के लिए अलग अलग तरीके की चीज़ें करवानी चाहिए, डांस करवाने चाहिए, यहाँ पे नाटक हुए बहुत सारे, गाने हुए अभी चल रहा है, और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी होती हैं। बाल साहित्यकार सम्मान समारोह में देश भर से आए साहित्यकार उपस्थित रहे। विभिन्न क्षेत्र से आए अतिथियों को अलग अलग सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले साहित्यकारों में रमेश चंद्र खरे को भीष्म सिंह सम्मान, दीनदयाल शर्मा को राष्ट्रबंधु वरिष्ठ सम्मान, दिनेश पाठक को श्री प्रसाद वरिष्ठ सम्मान, करुणा श्री को ज्ञान सिंह आर्य सम्मान, महेंद्र जैन को प्रेमचंद्र समुंदी सम्मान, आशा शर्मा को प्रभाकर दुबे सम्मान, श्याम उपाध्याय बाल साहित्यकार सम्मान महेश स्पर्श को दिया गया। शील कौशिक को शिव नारायण सूर्यवंशी सम्मान, कांति शुक्ल को चंद्रकांता लुनावत सम्मान, डॉक्टर राहुल खरे को जिनेंद्र कुमार जैन सम्मान, डॉक्टर वंदना मिश्रा को राष्ट्र श्रेष्ठ बाल सेवी सम्मान से नवाजा गया। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मुझे श्री श्याम उपाध्याय बाल साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया है।
हनुमानगढ़ शहर से जो राजस्थान का 31वां जिला है मैं वहाँ से आया हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भोपाल की बाल साहित्य की जो संस्था है वो मुझे सम्मानित कर रही है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ। वैसे तो मैं विद्युत विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर हूँ और लिखने का शौक रखती हूँ। बाल साहित्य में मेरी दो किताबें आ चुकी हैं, एक पर राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर ने मुझे पुरस्कृत किया था और दूसरी पुस्तक अभी आई है मेरी। उसके अलावा मेरी 3 पुस्तकें और आ चुकी हैं और इस प्रोग्राम के बारे में जितना सुना, भोपाल के बारे में जितना सुना, बड़ी इच्छा थी यहाँ आने की, इसको अटेंड करने की, और आज शायद आप कह सकते हैं कि मेरा सपना एक तरह से साकार हुआ है। जो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। सम्मान की इस कड़ी में पवन पाठक को बाल सम्मान तथा अतुल भारद्वाज को सर्वश्रेष्ठ एनजीओ के लिए सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 2 बाल प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। इसमें विनीता जगताप को चित्रकला और एकता सपकाड़े को खेल प्रतिभा के लिए सम्मानित किया गया। हम लोगों की असल में यहाँ पे जो मेन कोशिश ये रहती है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो मोस्टली कंप्यूटर में लगे हुए हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं। अगर आप बच्चों को देखो, ट्रेन में सफर करो या एयरपोर्ट में जाओ, तो आप देखो बच्चे घंटों से मोबाइल में लगे हुए हैं और उनका जो पूरा का पूरा टाइम निकल रहा है सिर्फ कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी। तो हम लोग यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसके प्रति बच्चे ना जागरूक हों और उसके बारे में बच्चे जाने कि यहाँ क्या है क्या नहीं है, रामायण क्या है, महाभारत क्या है, ये सारी चीज़ें जाने। मैं गोरखपुर से गोल्ड मेडल जीत के आई हूँ। अंडर 14 में खेला था, अंडर 17 में खेला था, 40 किलो वजन वर्ग में, और मैंने यहाँ पे बाल आयोग में पुरस्कार मिला है। कार्यक्रम में सम्मान समारोह के बाद पुस्तक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के निदेशक महेश सक्सेना ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को साहित्य से जोड़ना और बच्चों की प्रतिभा को निखारना है। कार्यक्रम का संचालन शशि बंसल एवं अरविंद शर्मा ने किया। इस मौके पर आर के पालीवाल, आयुक्त आयकर दयाराम नामदेव, गांधी भवन संरक्षक राघवेंद्र शर्मा, पूर्व अध्यक्ष बाल आयोग डॉक्टर उमाशंकर, संचालक बाल भवन हरीश खंडेलवाल समाजसेवी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। आज बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र द्वारा उसके 11वें वार्षिक उत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे देश से चयनित बाल साहित्यकार, बाल चिकित्सक और बाल सेवी सम्मान से अलंकृत किया गया और 2 बाल प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया है, जो कि एक तो चित्रकला में और एक खेल प्रतिभा में है। केंद्रीय जेल जबलपुर में देश का एक ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह हुआ, जहां 6 कैदियों समेत 37 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। कैदियों ने उपाधि हासिल कर अपने लिए भविष्य के नए रास्ते चुने। वहीं आम लोगों को इस बहाने जेल के अंदर के माहौल से परिचित होने का मौका मिला। इग्नू ने देश भर के 54 केंद्रों पर दीक्षांत समारोह आयोजित किए, लेकिन जबलपुर में इस आयोजन के लिए केंद्रीय जेल को चुना गया। इस अवसर पर जहां आम लोगों को जेल के अंदर के माहौल से परिचित होने का मौका मिला, वहीं कैदियों ने भी उपाधि हासिल कर अपने लिए नई दिशा चुनी। ज्ञान को प्राथमिकता देने वाली पूजा ज्योतिषी ने बताया कि वे इकोनॉमिक्स विषय में RDVB से 10 मेडल प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने पहली बार जेल के अंदर आकर यहाँ का माहौल देखा है। जेल अधीक्षक गोपाल ताम्रकर ने बताया कि यह आयोजन देश का पहला आयोजन है जिसमें जेल के अंदर दीक्षांत समारोह संपन्न हो रहा है। 1999 से 2013 तक जेल में हत्या के अपराध में सजा काटने वाले श्रीनाथ गुप्ता ने बताया कि वे बहुत खुश हैं। उन्होंने सजा पूरी होने के पहले इग्नू से MBA की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वे इसकी डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। जेल विभाग का प्रयास 2016-17 का कोर्स था। मैं MS की हूँ, मास्टर ऑफ आर्ट्स सोशियोलॉजी से। आज मुझे डिग्री प्राप्त हुई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले भी मुझे RDVB से इकोनॉमिक सब्जेक्ट में 10 गोल्ड मेडल्स और प्रमाण पत्र मिले थे। और मैं चाहती हूँ कि हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तो इसीलिए मैं इकोनॉमिक्स में भी की थी। आज सोशियोलॉजी में मुझे डिग्री प्राप्त हुई है। जेल अधीक्षक गोपाल ताम्रकर ने बताया कि यह आयोजन देश का पहला आयोजन है जिसमें जेल के अंदर दीक्षांत समारोह संपन्न हो रहा है। आज बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का 32वां दीक्षांत समारोह जो पूरे देश में एक साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली में उपराष्ट्रपति महोदय ने समारोह को अध्यक्षता की है और 54 सेंटर में पूरे देश में ये चल रहा है। जबलपुर का ये सेंटर, जिसका एक अध्ययन केंद्र जेल में भी है जो 2011 में प्रारंभ किया गया था, आज इस सेंटर में पहला दीक्षांत समारोह इग्नू का होने जा रहा है।
जेल में शिक्षा की डिग्रियां बटना ये अपने आप में एक अद्भुत है। 1999 से 2013 तक जेल में हत्या के अपराध में सजा काटने वाले श्रीनाथ गुप्ता ने बताया कि वे बहुत खुश हैं। उन्होंने सजा पूरी होने के पहले इग्नू से एमबीए की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वे इसकी डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। जेल विभाग का प्रयास है कि कारागृह को सुधार गृह में परिवर्तित किया जा सके, जिससे लोगों को अपराध से दूर किया जा सके और वे देश और समाज की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपके साथ हैं जर्जर भोपाली जो आपको सुनाएंगे हर रोज की तरह भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर दिया हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। वो आज तो भैया ट्रेन से उछल दी है, 39,000 के पार पहुंच के रिकॉर्ड। अरे कल्याण भाई जरा कुल्फी उल्फी खिलाओ। और मैं बता रहा हूँ, ये नेताजी है पार्टी कार्यालय के बाहर होने पड़े हुए थे और वो कह रहे थे हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया जिंदगी भर और उसका सेंसेक्स हमारा जीरो हो गया, हमारा टिकट कट गया। कई लोग दुखी भी है भाई, ऐसा नहीं है। हाँ, हर आदमी खुश है सेंसेक्स बढ़ने से। और ये एक देखो, ये अमेरिका से खबर आ रही है बेहतरीन किस्म की, यहाँ नशे में है ना सबसे ज्यादा शॉपिंग करती है लोग। 3.34 लाख करोड़ इतने की शॉपिंग कर डाली। और हमारे यहाँ तो भैया पीने के बाद आदमी सीधा नाली में जाता है। हाँ, और दूसरी बात बता रही हूँ, हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो है ना बगैर है ना पिए ने इतनी शॉपिंग करती है, शॉपिंग के नशे में रहती है, पीने की जरूरत नहीं है, बता रही हूँ। हाँ, और भैया जम्मू कश्मीर में ओमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में वजीर आजम अलग होना चाहिए, सदर रियासत होना चाहिए, मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अलग होना चाहिए वहाँ का। और मैं बता रही हूँ इनको तो ढोरों के है ना ट्रक में भर के ले जाओ, जितने ये अलगाववादी है ना इनको पाकिस्तान में छोड़ा हो, बता रही हूँ। और मैं तो कहता हूँ जल्दी से 370 हटाओ वहाँ से, वो वहाँ सब लोग जाएँ, इनका दिमाग है ना नॉर्मल हो, बता रही हूँ। ऐसी ऐसी देश विरोधी बातें करते रहती हैं, सलाम नहीं आती, समझ नहीं आ रहा भैया। और ये खबर इधर नीदरलैंड में, ये कितनी मजेदार खबर है, गायों के लिए टॉयलेट बनाया जा रहा है। और मैं बता रही हूँ हमारा देश नीदरलैंड से आगे है, हमारे देश में सड़कें इतनी लंबी लंबी हैं, यही टॉयलेट है गायों के लिए, कहीं भी करो, हाँ कहीं भी बैठो, ऐसा थोड़ी है, हमारा देश प्रगति कर रहा है, आगे जा रहा है। और ये देखो लालू के जो बेटे हैं तेज प्रताप सिंह, इन्होंने लालू राबड़ी मोर्चा बना लिया है, अलग पार्टी बना ली और ससुर के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। भैया अभी ये एक साल पहले इनकी शादी वादी हुई थी, बता रही हूँ, ये इतनी खन्नस आ गई ससुर को लेके, बता उनके खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं। वो हार्दिक पटेल के सुन लो भैया, इनको कोर्ट ने आया चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, अभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब मेरे को समझ में आया कैसे भिड़बड़ा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, ये वो जो पार्टी द्वारा आंदोलन आंदोलन जो करवाए थे आरक्षण के लिए, वो किसी के लिए नहीं थे, ये चुनाव लड़ने के लिए थे नेता बनने के लिए। हाँ, ये चल रहा है। और राहुल गांधी भी भैया अमेठी छोड़ के वो वहाँ भी जा रहे हैं, अमेठी से भी लड़ेंगे, वायनाड से भी लड़ेंगे। और मैं कह रहा हूँ क्या अमेठी में कहीं हालत वालत खराब है कि क्या है, क्यों भाग रहे हो भाई, कुछ तो कारण होगा। और एक नेता के घर से भैया 10 पिस्टल और हाथ गोले निकले, बताओ। मैं बता रहा हूँ ये पहले जब मिनिमम क्वालिफिकेशन ये बाहुबली होना रहती थी राजनीति में आने के लिए, और वही कोर्स है ना फिर से शुरू हो गया। हाँ, ये चल रहा है। और मैं सभी बता रही हूँ खबरें सुन के ना मेरा दिमाग हो गया खाली। मैं हूँ जर्जर भोपाली, नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।